श्री राम मंदिर निर्माण के साथ साथ अयोध्या में बाकी विकास के काम भी तेजी से हो रहे हैं। अयोध्या में लोगों के आने जाने के लिए एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है। अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट सरकार द्वारा बनवाया जा रहा है, जिसकी यथा स्थिति को जानने और निरीक्षण करने के लिए आज सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनके साथ केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल बीके सिंह अयोध्या पहुंचे। तीनों नेताओं ने मंदिर निर्माण के पहले कैसे यहां पर काम खत्म हो और एयरपोर्ट पर शुरू हो रही इसकी जानकारी भी दी है। बता दें कि वहीं गंगा एक्सप्रेस को लेकर सीएम योगी ने कहा कि कुंभ से पहले इसे पूरा कर लिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि इस महीने में अयोध्या हवाई अड्डा पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाए और अगले तकरीबन 1.5 माह में देश के करीब 8 एयरपोर्ट हम लोग तैयार कर लेंगे। प्रभु श्री राम के पावन अयोध्या देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप एक नए भारत की नई अयोध्या बन रही है। अयोध्या के विकास कार्यों के लिए, उनकी समीक्षा के लिए मैं समय समय पर अयोध्या का विजिट करता रहा हूं। आज हम लोग आए हैं केंद्रीय मंत्री, नागरिक उड्डयन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और जनरल वीके सिंह जी के साथ में अयोध्या की देश और दुनिया के साथ कैसे कनेक्टिविटी होनी है, यहाँ के एयरपोर्ट का निरीक्षण करने के लिए। हम सब जानते हैं कि अयोध्या में पहले जो एयर स्ट्रिप थी बहुत छोटी सी थी, मात्र 178 एकड़ लैंड यहाँ पर उपलब्ध थी। इस 178 लैंड में एकड़ लैंड में एक बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं बन सकता था। हमारे साथ यहाँ उपस्थित हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी महाराज आदित्यनाथ जी, जनरल वीके सिंह साहब और समस्त यहाँ के अयोध्या के हमारे सांसद महोदय, समस्त जन पदाधिकारीगण और मीडिया के सभी मेरे भाइयों और बहनों, मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि आज मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या में इस माटी को माथे पर लगाने का एक सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। मेरे लिए आज एक बहुत भावनात्मक क्षण भी है, क्योंकि इस अयोध्या की माटी के साथ मेरी आजी अम्मा का एक बहुत भावनात्मक लगाव संपूर्ण जीवन में सदैव रहा है।